तो ये जी सारे मैंने पैकेट बना दिए हैं, ठीक है। चार पैकेट बने हैं ये सारे, ये तकरीबन 1.5 kg था कीमा, तो बड़े अच्छे से ना ये चार पैकेट बन गए, मतलब चार दफ़ा सालन बन जाए। वाली थी वो साफ़ की है, जो वॉश करने वाली थी वो वॉश की है, और नीचे से फर्श वगैरह भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सही सफाई वगैरह हो चुकी है, सारी धुलाइयाँ शुलाइयाँ भी हो गई। ना बैठो, मैं देती हूँ आप नीचे बैठो। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, बैठे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा है। अच्छा, पेंटर तो आज खैर नहीं आए, और आज बस ये है कि कल जो टीवी लॉन्च के सारा डिस्टेंपर वगैरह हुआ था, आज जी हमने वो सारी सफाई की है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेंट का भी काम खत्म हो गया, सिर्फ हमारे कम जो मेरा ये रूम है ना, इसका डिस्टेंपर रह गया है, और वॉशरूम के जो डोर है ना वो रह गए हैं पेंट होने वाले। मलिक साहब ने कहा कि भाई वो भी एक दफ़ा करवा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वॉशरूम के डोर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस अब एक दिन का ही काम है। बहुत मेरा दिल था कि मैं घर पे खाना बनाऊं बजी फखरा का, लेकिन आपके सामने है, काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आज लास्ट संडे था, और उसके बाद आपको पता है कि रमजान शुरू हो जाना है। तो मैंने बाजी को कहा है कि चलें बाजी बाहर ही चलते हैं। उनका तो बहुत दिल था आने का, लेकिन मैंने ही उनको रोका हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैंने आपका खाना बनाना है तो आपने फिर आना है। तो कहती हैं कि चलो ठीक है। आज फिर मैंने उन्हें खुद कॉल किया, मैंने कहा बाजी बाहर का प्रोग्राम रख लेते हैं, तो क्योंकि घर पे तो मैंने कहा मुझे अभी हालात नहीं, 2-3 दिन और नजर आ रहे, फिर वैसे ही रमजान शुरू हो जाना है। तो कहती हैं कि ठीक है। अब जी आज के दिन की मैंने रूटीन थोड़ी बहुत शूट की हुई है, पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर बाजी फकरा की तरफ जाएंगे, वो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। आज ही है संडे, और बच्चे लेट उठे थे, बस खाने नाश्ते से फारिग हुए हैं, और यहाँ से सारी डस्टिंग वगैरह चल रही है, टीवी लॉन्च की सफाई, फर्श वगैरह साफ़ होने अच्छे से। आज पेंटर नहीं आए, और मैंने कहा चलें टीवी लॉन्च की तो सारे यार डिस्टेंपर वगैरह हो चुका है, तो आज ना यहाँ की सारी सफाई कर लेते हैं। डिटेल सफाई चल रही है, और अब बस अम्मी को यहाँ से उठाने लगी हूँ कि अंदर चली जाएँ, ताकि हम यहाँ से ना धुलाइयाँ कर लें। काफ़ी सफाई वगैरह हो चुकी है। अच्छा, बड़े अच्छे से हर चीज़ वॉश करके ना, तो कुछ जो साफ़ करने वाली थी वो साफ़ की है, जो वॉश करने वाली थी वो वॉश की है, और नीचे से फर्श वगैरह भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सही सफाई वगैरह हो चुकी है, सारी धुलाइयाँ शुलाइयाँ भी हो गई हैं। अच्छा, गिराज की अभी नहीं की, क्योंकि अभी गिराज कल होगा, आज पेंटर नहीं आए, और बस फारिग हुई हूँ तो सबसे पहले आमना इब्राहिम को शावर दिया, इनके कपड़े चेंज किए हैं। छी, कब केक लेना है? और मैं डाल देती हूँ। तो अभी मेरा रूम रह गया है, क्योंकि ना उधर अभी पेंट वगैरह होने हैं, यहाँ से हो गया था ऊपर से सारी अच्छी से ना जाले वगैरह उतार के। और अच्छा, ये ना कुछ लाइट्स वगैरह ख़राब हुई थी, तो ये मलिक साहब लेकर आए हैं, आज ये लगानी है, और पेंट वगैरह बड़े अच्छे से हो गया, शुक्र है ज़रा घर एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अच्छा, ये वॉशरूम के सारे जो डोर हैं ये, और ये जो मेन डोर है ना दोनों, ये मैंने पेंट करवाने हैं, ये अभी कल फिर आएंगे, तो आज छुट्टी कर गए हैं, इसलिए ना आज काम सारा कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ करके ना, तो ऊपर फिर मैंने लगा दिए हैं, हैंग कर दिए हैं हमने, और बस आज बस यही काम हुए हैं। सोफ़े वगैरह बड़े अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, ये जी देखें, एक तो अपना घर बिल्कुल ऐसे चमक जाता है। तू पपियां ले रही है ड्रामे चिड़िया ने? ये जी अब इसको खोल के देना, उसकी बैठ के पपियां ले रहा है। मन तक दिनियाँ देती हूँ, मन देती नहीं कभी। ड्राइंग रूम के कर्टन रह गए हैं, ये वाला तो हमने वॉश ही नहीं किया, और ये वाले वॉश करवाए हैं, तो ये आप मलिक साहब आएंगे तो फिर उनके साथ हैंग करेंगे। और अच्छा, यहाँ की लाइट्स ख़राब हुई हुई हैं, तो वो मलिक साहब ले आए हैं, तो वो आज लगानी है। बस इसी तरह के काम शाम हो रहे हैं छोटे मोटे, और बस सफाइयाँ शफाइयाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक खैर करे, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो। इनके रोल्स मुझसे बना के रखे हुए थे, तो इनके बना रही थी मैं पैकेट, और यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं चीज़ें, और पैकेट बना रही हूँ, और बच्चों को लग गई है भूख, तो मैंने कहा चलें कुछ फ्राई करके इनको देती हूँ, थोड़े से ये समोसे
यामा से भी सुनाए हैं। अच्छा एक दिन पहले जी मैंने ये कोफ्ते बनाए हैं और ये कोफ्ते भी फ्रीज हो गए हैं। इनके भी अब मैंने पोर्शन बना के ना जितने जितने मुझे पैकेट के लिए चाहिए रमज़ान के लिए ये मैंने कोफ्ते बना दिए हैं, ठीक है। और मैंने कहा चलें छोटा सा क्लिप है आपको दिखा देती हूँ। दूध वगैरह भी बॉयल हो चुका है और बस इस तरह से काम चल रहे हैं क्योंकि अभी जाना है बाहर खाने के लिए, तो मैंने कहा चलें बच्चों को कुछ कर देती हूँ फ्राई। और क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं तो अभी 9 बजे के बाद जाना है। तो ये जी सारे मैंने पैकेट बना दिए हैं, ठीक है। 4 पैकेट बने हैं ये सारे, ये तकरीबन 1.5 kg था कीमा, तो बड़े अच्छे से ना ये 4 पैकेट बन गए, मतलब 4 दफ़ा सालन बन जाएगा। चाहे आप पुलाव वगैरह बना लें, बिरयानी बना लें कोफ्ते वाली, चाहे सालन वगैरह बना लें। और ये जी रोल समोसे बन गए हैं और इनके पैकेट ये इतने बन गए हैं, एक पहले फ्राई हुआ था और एक अब फ्राई हो गया और ये बाकी बन गया। अब इंशाल्लाह साथ में और भी रेसिपीज़ बनानी है तो वो भी बनाती रहूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और साथ में ये जी कोफ्ते के भी बन गए। अब ये ऊपर वर्टिकल फ्रीज़र में रखने लगी हूँ क्योंकि नीचे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है क्योंकि छोटा है, ऊपर ऐसे ही खाली वो चल रहा है। ओके तो खेलियाँ गा रही है और ये अम्मी नॉन स्टॉप ना मानो को छेड़ रही हैं। और ये जी मुकद्दस भी रेडी हो चुकी है वालेकुम सलाम मुकद्दस, आजकल क्या हो रहे हैं? फेजेस हो रहे हैं। और मुकद्दस की ना मुंह डिंगा चिब्बा हुआ हुआ है क्योंकि सिर्फ पेपरां चीजें पढ़ना होया, उन जे किताब खोलनी कोई ना हुई। मेरा वजन कम हुआ। खड़ी हो जाओ जरा, ड्रेस दिखाओ अपना। ये जी मुकद्दस का दूसरा ड्रेस भी स्टिच होके आ गया था, ये देखिए माशाल्लाह इसको पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये ना इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मुकद्दस के ना माप के कपड़े सिले हैं, नहीं तो आगे ऐसे लगता है किसी के पहने हुए, किसी आंटी के कपड़े पहने। दिखाना जरा ऊपर से गला भी दिखाना थोड़ा सा डिजाइन, किसी लड़की के भी नहीं किसी आंटी के कपड़े। नहीं नेक कट डिजाइन दिखाऊं। ये जी आगे मैंने दिखाया था ये, हाँ ये सेम मैंने भी जो पहना हुआ इसका भी सेम इसी तरह से है। और इसकी ये आगे से लेस लगी ये, ठीक है। और आगे घेरे पे भी इसी तरह से लगा के ना, तो ये इसका 2 पीस लिया था और ये जी हमने स्टिच करवा लिया माशाल्लाह, अच्छे स्टिच हो गया। हमारे पास बहुत काले दुपट्टे वैसे ही बहुत होते हैं, काले दुपट्टे, काले बैग, काले जूते, काले कपड़े, मेरा पूरा वार्डरोब ही काला है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, पिछले का तो बहुत ही काला था ना, थोड़ी सी रंगीन। हाँ जी, लेकिन ये है कि मुकद्दस ना इसमें और स्मार्ट लग रही है, मतलब पहले भी स्मार्ट हुई है लेकिन ब्लैक में और ज्यादा स्मार्ट लग रही है। स्मार्ट हूँ अब, मुझे भी यकीन है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे आसपास वाले लोग सब बहुत खरीदते हैं माशाल्लाह। तो चलें अब बस तैयार हो गए हैं, मलिक साहब भी आ गए हैं। आज आज मेरे लुक में क्या यूनिक है, क्या मदद की है और ये जी देखें ये रेड शर्ट पहन के तो ये भी तैयार हो गई है और ये तो वैसे ही बहुत हसीन है, इतनी हसीन है ये, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे बहुत हसीन है, वैसे ही बहुत हसीन। बस जी मलिक साहब आते गए हैं, उन्होंने चाय पी है, तैयार हुए हैं और उसके बाद हम निकल आए थे। तकरीबन 9:30 बज रहे थे रात के, और क्योंकि बाजी भी रात को ही फारिग होती हैं, बच्चे भी और मलिक साहब भी, तो फिर रात का इसीलिए हमने रखा हुआ था। और यहाँ पे जी हम पहुँचते हैं तो इब्राहिम उछलना शुरू कर देता है कि हम इम्तियाज़ पर जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और कह रहा था कि भाई नीचे चलो, भाई इधर से ही ना इधर से मुड़ जाओ और नीचे गाड़ी पार करनी है और फिर हमने जी ग्रॉसरी करनी है। हालांकि मलिक साहब इसीलिए लेट आए थे कि वो ग्रॉसरी करके आए थे। अच्छा यूनिवर्सिटी रोड पे रश इसलिए बहुत ज़्यादा था कि कोई इवेंट चाह रहा था जश्न बहारा का, तो इसलिए हम कचहरी रोड वाली साइड पे आए थे। ये जी न्यू होटल यहाँ पे ओपन हुआ है कसरे अम्बाला के नाम से, इसके बिल्कुल साथ है द क्वीन रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ पे बस बैठे हैं। आते ही हमने फ़ौरन से ऑर्डर दे दिया था, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो बस ऑर्डर दिया है, सबसे पूछ लिया था सबकी पसंद की चीज़ें, तो साथ ही में हमने जी ऑर्डर दे दी थी, बहुत ज़्यादा भी इतना नहीं था दिया। अच्छा आजकल मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह कम दूँ, आपने जैसे कि नोटिस भी किया होगा कि हम अगर बाहर भी आते हैं तो खाना खाने के लिए ज़्यादा आते हैं,
और बस जी बच्चों की पसंद की चीज़ों का ऑर्डर दे दिया है। अम्मी भी यहाँ पे बैठी हैं साथ साथ, अम्मी पढ़ रही थी और ये चीज़ मुझे ना अम्मी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा बाजी के साथ बैठे हैं, गपशप लग रही थी, काफ़ी दिनों के बाद हम मिले थे और एक किस्म का ना बंदा उदास भी हो जाता है। इतनी देर में जी खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था, सीख कबाब थे, साथ में मलाई बोटी, सिंपल सैलेड था और साथ ही में एग फ्राइड राइस थे और साथ में चाउमीन मंगवा लिए थे और मंचूरियन था और साथ ही में जी मटन कढ़ाई और साथ में चिकन हांडी मंगवा ली थी। ठीक है, खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मज़े का था। खाना जी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने खाना नहीं मंगवाया था, इतना मंगवाया था कि जो बस उसी टाइम पे हमें पूरा हो जाए। और आपको पता है नेक्स्ट डे तो वैसे भी ये खाना खाने वाला कोई नहीं होता है, रात के टाइम पे ज़ाहिर हम डिनर कर रहे थे तो नेक्स्ट डे ही फिर खाना था किसी ने। तो यहाँ पर जी कहानी में ट्विस्ट ये आया था कि भाई नासिर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आ रहा हूँ, तो आप ना दो मिनट बैठें। अच्छा हमने कहा चलें कोई काम होगा, ज़ाहिरा जा रहे हैं, पर शायद गाड़ी वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं। तो भाई नासिर गए हैं और जाके जी बिल पे करके आ गए। मलिक साहब जी इब्राहिम को खाना खिला रहे थे तो वो अचानक से उठे हैं और जाके बिल पे करके आ गए। मैं भी यहाँ पे कह रही थी कि भाई को कि भाई मैंने इसीलिए होटल में खाना किया कि घर में काम चाह रहे थे और बिल्कुल भी मेरा टाइम नहीं मार रहा, बिल्कुल हमारा आना जाना इसलिए रुका हुआ था कि मैंने खुद रुका हुआ था कि भाई मैंने आपका खाना बनाना है। अच्छा जी अल्लाह ठीक है जी बैठे। उमेर के लिए जी कोई मैंने गिफ्ट नहीं था लिया क्योंकि अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। आगे तो ये होता था कि जब भी बर्थडे वगैरह होती थी तो कार वगैरह, कोई मोटरसाइकिल, कोई मतलब टॉय लेके दे देना, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे बच्चों को बस। और बस मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने कहा आप अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लीजिएगा। बस जी यहाँ पे हमने अल्लाह हाफिज़ किया है और वही बात है, खाना तो मेरा वही मतलब उधर ही अटका हुआ था, खाना को नहीं था हुआ। और लेकिन ये है कि मिल के बैठे हैं, गपशप लगाई है, टाइम स्पेंड किया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद जी हम घर वापस आ गए थे। अभी हम वापस आए हैं घर और वहाँ पे जाके क्या माजरा बना के खाना खाना हम खा बैठे हैं। ऑर्डर मैंने दे दिया था, हालांकि ऑर्डर मैंने दिया था, और जी खाना खाना खा बैठे हैं। और मैंने समझा भाई नासिर ना वैसे ही उठे हैं, बाहर चले गए हैं, तो बाजी ने क्या किया, तो बाजी ने जी बिल पे करवा दिया। मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा कि भाई मैं घर पे खाना नहीं बना रही क्योंकि टाइम भी नहीं कर रहा है, घर में काम शाम बहुत ज़्यादा होता है, और जी बाजी ने बिल पे करवा दिया। अब जी वही बात है कि खाना अभी तक मेरा ड्यू ही है और वो अबाजी की तरफ से खाना हो गया और बस हम खा पी के तो वापस आ गए हैं। बोला अम्मा ने ये नया फ्रॉक पहनना है, अम्मा कितनी अच्छी लग रही है, और माशाल्लाह बड़े देखे ना बिल्कुल सही है अम्मा के साइज का, बड़ा प्यारा इसे लग रहा है। और बस अब अल्लाह पाक खैर करे, अब रमजान आएगा तो इंशाल्लाह अफ्तारी देखेंगे, जुम्मे को अगर मैं बना सकती तो जुम्मे की रख लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह ना फिर संडे की। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।